today we are going to discuss the part 5 of unit 3 the unit 3 solar energy as i have already told you in the last lecture that in this lecture we will cover the extrinsic material like n type semiconductor material p type semiconductor material and the pn junction as in the last lecture we have discussed about the extrinsic material the ability of a semiconductor to conduct electricity can be highly increased by replacing or adding certain donor or acceptor atoms, that is called impurity, into pure semiconductor material. This produces more free electrons than holes, or more holes than free electrons. The process of adding impurity, that is, donor or acceptor, is called doping. उससे समझने की कोशिश करेंगे जैसे एलिमेंट ग्रुप थर्टीन में हमारा होता है बुरान एलमिनियम गैलिनियम आ, और उसके बाद होता है हमारा आ, फिर थैलियम है ऐसे ही ग्रुप 14 में है हमारा कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम तो सिलिकॉन जर्मेनियम आर प्योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इसमें हम मटेरियल मिलाएंगे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तो जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड बनाने के लिए चार इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल चाहिए तो अगर हम एलिमेंट ग्रुप 15 से लेते हैं और इम्प्योरिटी लेते हैं और बनाते हैं सेमीकंडक्टर कंडक्टर फास्फोरस ले लिया आर्सेनिक ले लिया एंटीमनी ले लिया या बिस्मत ले लिया तो इनके आउटर शेल में होते हैं पांच इलेक्ट्रॉन तो इससे क्या होगा कि चार इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड क्रिएट कर लेगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज फ्री हो जाएगा फ्री टू मूव हो जाएगा और अगर ग्रुप थर्टीन में जैसे एलमियम या गैलियम मिलाते हैं इम्प्यूरिटी तो इसके आउटर शेल में होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन तो तीन इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो द डिफिशियंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एड होल तो जो वो इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वो होल क्रिएट करेगा तो जो होल क्रिएट करेगा तो फेच करेगा एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से फेच करेगा तो जहां से फेच करेगा फिर वहां होल क्रिएट हो जाएगा तो जहां होल क्रिएट होगा फिर वो इलेक्ट्रॉन फेच करेगा इस तरीके से हमें होल की मूवेबिलिटी दिखेगी क्योंकि होल क्रिएट होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फेच करते जाएंगे तो ये दो तरीके हो गए एक तो जिस ऐसे मटेरियल को हम इम्प्योरिटी में मिलाएंगे जिनके आउटर शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है तो जब वो बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो चार इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के आउटर चार इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड क्रिएट करेगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव करेगा और अगर हम तीन जिसके ऐसे मटेरियल मिलाते हैं ग्रुप एलिमेंट ग्रुप थर्टीन से एलमिनियम गैलियम ठीक है या थैलियम इस टाइप के अगर हम मिलाते हैं तो उसमें क्या होगा कि तीन इलेक्ट्रॉन तो चार सिलिकॉन और जर्मेनियम के चार इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके वो जो तीन ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वो तो बनाएगा बॉन्ड तो क्रिएट करेगा लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी इसी इलेक्ट्रॉन की कमी को हम कहते हैं होल और इस हो कमी को पूरा करने के लिए वो दूसरी जगह से एक इलेक्ट्रॉन फेच करेगा तो जहां से फेच करेगा तो यहाँ की तो कमी पूरी हो जाएगी दूसरी जगह फिर होल क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से पूरे उसमें होल क्रिएट होता जाएगा इलेक्ट्रॉन फिच होता चला जाएगा ठीक है तो यही प्रोसेस होता है एन टाइप और पी टाइप में तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है व्हेन जर्मेनियम जी और सिलिकॉन एस इज डोप्ड विद इम्प्यूरिटी एस पेंटावेलेंट एटम सच एस आप देखिए पेंटावेलेंट एटम क्या हुआ जिसके आउटर शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है तो वेन जर्मेनियम और सिलिकॉन को जब हम डोब करते हैं ऐसे इम्प्योरिटी मटीरियल से जिसके आउटर सेल में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्सेनिक, और the क्या है आउटर शेल में पांच इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वेन द इम्प्योरिटी इज एडेड द इम्प्योरिटी एटम रिप्लेसेज द जर्मेनियम और सिलिकॉन एर्मेनियम यानी इलेक्ट्रॉन मेक बॉन्ड विध जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम एंड वन इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री तो, तो, तो पांच में से जो चार इलेक्ट्रॉन है वो जर्मेनियम या सिलिकॉन जिसमें भी हम मिला रहे हैं आर्सैनिक एंटीमनी या फॉस्फोरस को तो उसके जो चार आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो तो बॉन्ड क्रिएट कर देंगे और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा ठीक है अब इस डायग्राम से और पिक्चर क्लियर है है देखिए जैसे बॉन्ड बन रहा सिलिकॉन है सिलिकॉन है सिलिकॉन है, है बीच में हमने इम्प्यूरिटी मटेरियल मिला दिया जिसमें कि पांच इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो ये आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे इसमें इम्प्योरिटी दैट इज नोन एज इम्प्यूरिटी डोनर्स जो हम इंप्योरिटी मिलाएंगे और

चार इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के साथ लेकिन जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्री टू मूव दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंप्योरिटी एटम आर नोन एज डोनर दिस इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल आफ्टर डोनेटिंग वन इलेक्ट्रॉन द इंप्योरिटी एटम बिकम्स पॉजिटिव जैसे ये इंप्योरिटी एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा इट बिकम्स पॉजिटिव आयन व्हिच इज मोबाइल एंड एज डोनर जैसे ही ये चार इलेक्ट्रॉन एंटीमनी के सिलिकॉन के साथ बॉन्ड क्रिएट करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा मूव करने के लिए वैसे ही एंटीमनी एटम उस समय पॉजिटिव आयन हो जाएगा और ये इमोबाइल हो जाएगा ये फिर कहीं मूव नहीं कर सकता है और ये जो है कहलाएगा डोनर उसके बाद जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा उसके बाद ये कहलाएगा डोनर इच इम्प्योरिटी एटम डोनेट्रॉन दटीरियल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस तरीके से बहुत सारे ऐटम होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे इसीलिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल्स बहुत ही लिमिटेड मात्रा में रहते हैं क्योंकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऑलरेडी मटेरियल में रहते हैं पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऑलरेडी मटेरियल में रहते हैं और जब इम्प्योरिटी मटेरियल मिला दिए तो हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा हर बॉन्ड से में जो एक इम्प्योरिटी एटम होगा उससे हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और होल की संख्या जो पहले से थी

पी टाइप मटेरियल में वेन ए प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप विद ट्राइव इम्प्योरिटी एटम्स ठीक है अब ऐसा मटेरियल जिसमें आउटर शेल में तीन इलेक्ट्रॉन हैं, उसको जब हम डोप करेंगे एज इम्प्योरिटी तो क्या होगा ये क्या करेगा तीन इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रहेगी दैट इज नोन एज होल वही लिखा है जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप विद ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट बेट जिसके आउटर शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी द इम्प्योरिटी एस रिप्लेसेज द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आइटम अभी आगे डायग्राम में से बना होगा बॉन्ड में से एक जर्मेनियम या सिलीकॉन का आइटम निकल जाएगा उसमें इम्प्योरिटी आइटम आ जाएगा ठीक है

फ्रॉम नेबरिंग वहां पे होल क्रिएट होते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन मोबाइल था तो बार बार आपका होल बनता जाएगा इलेक्ट्रॉन आता जाएगा फिर होल बनेगा फिर इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमें क्या लग रहा है कि होल हमारा मूव कर रहा है इन दिस वे द होल इज मोबाइल एंड इज मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल

मोबाइल तो क्या होगा यहाँ पे होल की संख्या बढ़ जाएगी जैसे मैंने पहले बताया था कि किसी भी मटेरियल में पहले से ही ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल्स रहते हैं इस प्रोसेस के बाद क्या हो रहा है इसमें चूंकि होल्स क्रिएट होते जा रहे हैं और बगल से इलेक्ट्रॉन लेते जा रहे हैं तो होल की संख्या क्या होगी होल की संख्या बढ़ जाएगी देयर फोर इन ए पी टाइप सेमी कंडक्टर द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियस अब इन दोनों का जो जंक्शन होता है जंक्शन बनाते हैं दैट इज नोन एज पी एन जंक्शन एक मटेरियल लेके उसके ऊपर दूसरा मटेरियल लगते हैं ठीक है तो वेन ए पी टाइप सेमी कंडक्टर क्रिस्टल इज बॉट इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन टाइप क्रिस्टल रिजल्टिंग अरेजमेंट इज कॉल्डन और जंक्शन डायोड जब एक पी टाइप सेमी कंडक्टर क्रिस्टल और एक एन टाइप सेमी कंडक्टर क्रिस्टल को पास में लाते हैं या कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो दैट इज नोन एज पीएन जंक्शन और जंक्शन टू मेक ए पी एन जंक्शन द एन टाइप एंड पी टाइप क्रिस्टल आर कट इन टू थी स्लाइसेस

और मान लेते उसमें जैसे सिलिकॉन है मान लीजिए ठीक है और उसमें एलमिनियम की एक फिल्म लेते हैं लगभग लगभग अस्सी डिग्री सेल्सियस के आसपास तो अल्मोनियम डिफ्यूज होकर के सिलिकॉन में चला जाता है इन दिस वे ए पी टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टर इज फॉर्म ऑन ए एन टाइप एक पी टाइप के ऊपर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाता है. आप देख सकते हैं। बना हुआ है तो इसके वर्टिकल लाइन के इस साइड पी टाइप मटेरियल है और उस साइड एन टाइप मटेरियल इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी पी एन जंक्शन कैसे बनता है कि मान लीजिए हमने कोई एन टाइप मटेरियल की छोटी सी स्लाइस ली उसके ऊपर हाँ छोटी सी एल्मियम की फिल्म र, रखा उसको गर्म किया जब उसको गर्म करेंगे अराउंड 580 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो अल्मोनियम डिफ्यूज होकर के सिलिकॉन में चला जाएगा तो इस तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाएगा तो द इस तरीके से जब फॉर्म हो जाएगा तो इसी को हम जंक्शन या डायोड जंक्शन डायोड कहते हैं this formation uh, of p region on n region is called p-n junction and its symbol is shown in the figure you can see in the figure the left side is p-type material and n-type material is in on right side hai? we know that in a N type material ki tha aapko, material electrons are majority carriers and holes are minority carriers in n type materials electrons are majority carriers and holes are minority carriers in the same way in p type materials holes are majority carriers and electrons are minority carriers when pn junction is formed the electron from n region diffuses diffuse into n region इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज इन टू पी रीजन क्योंकि सारे होल्स होते, होते हैं तो जैसे हम डिफ्यूज करेंगे जिधर इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है वो इधर आने की कोशिश करेंगे जिधर होल मेजोरिटी में है वो इस साइड आने की कोशिश करेंगे ठीक है वेन पी एन जंक्शन इज फॉर्म द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन डिफ्यूज इन टू रीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एंड होल्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी रीजन ऑफ जंक्शन चार्ज डोनर एटम विच इज इन जब इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी जंक्शन के उस पार जाएंगे तो अपने पीछे क्या करेंगे पॉजिटिवली चार्ज डोनर एटम रहेगा जो कि इमोबाइल रहेगा सेम ऐसे बिहाइंड एक्सेप्टर एटम्स विच इज निगेटिवली चार्ज एंड इज इमोबाइल जैसे सेम हमने प्रोसेस पहले बताया था कि पी रीजन में चूंकि होल्स ज्यादा है तो होल्स क्या करेंगे जंक्शन के लेफ्ट साइड पी टाइप की ओर मूव करेंगे तो जब वो मूव करेंगे तो अपने पीछे एक्सेप्टर एटम जो कि निगेटिवली चार्ज है और इमोबाइल है जैसे मैंने बताया था ना कि जब उसमें इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो, क्या, है? है, तो atom, आ, आ, क्या होता है होल क्रिएट होते जाते हैं तो जहां से होल क्रिएट होते वो एटम क्या होता है एक्सेप्ट करता है तो निगेटिवली चार्ज हो जाता है और एक्सेप्टर हो जाता है ठीक By is same process as similarly hole diffuses from p region to n region it leaves behind acceptor atoms which is negatively charged and is immobile the space charge on both the side of p n junction as you can see uh, in yellow in color that is p n junction uh, you can see in p type material empty holes and in n type material there are रेड इलेक्ट्रॉन शोन इन देर इन इन द रेड कलर द स्पेस एंड एनी चार्ज कैरियर विल फॉर्म ए रीजन कॉल डिप्लीशन ले जो बीच में जो लेयर बन जाएगा लेफ्ट साइड आपको निगेटिवली चार्ज दिख रहा है राइट साइड पॉजिटिवली चार्ज दीज आर इमोबल अब थोड़ी देर के बाद ना इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं ना होल्स इधर जा सकते हैं इनिशियल में जैसे ही हम जंक्शन करते हैं जैसे ही हम जंक्शन करते हैं तो इधर पी uh, टाइप से इलेक्ट्रॉन्स और एन uh, टाइप से इलेक्ट्रॉन्स एंड पी टाइप से होल्स लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन में मूव तो करेगा लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये इमोबाइल हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्लीशन रीजन द स्पेस चार्ज रीजन ऑन बोथ द साइड ऑफ पी एन जंक्शन विच हैज इमोबाइल एंड ऑफ

बैरियर बन जाएगा दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट्स अ बैरियर एट द जंक्शन व्हिच अपोसेस फर्दर डिफ्यूजन तो थोड़ी देर के लिए बस थोड़ी देर के लिए जैसे ही पीएन जंक्शन बनाएंगे थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन्स इधर और होल्स दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो <coughs>

वो जिससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उधर जाना जाएंगे थोड़ी देर के लिए होगा लेकिन उसके बाद फिर ये रुक जाएगा और इमोबाइल हो जाएगा एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी ठीक है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब डिफ्यूजन रुक जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उस जंक्शन पे दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर और पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट ठीक है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द बाइसिंग ठीक है देर आर थ्री काइंड ऑफ बाइसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड इज बेस्ड ऑन द वोल्टेज अप्लाइड एक होगा हमारा जीरो बायसिंग ठीक है एक होगा फॉरवर्ड बायसिंग और एक होता है रिवर्स बायसिंग इन जीरो बायसिंग देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द पी टाइप व्हाइल द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द एन टाइप एंड इन द रिवर्स बायस द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द पी टाइप And the positive is connected to the n type. Today, we have discussed the extensive semiconductor material like P type, n type, in which we uh, dope some impurities from uh, the material which have uh, electrons in outer shell, uh, 3 electrons in outer shell, and 5 electrons in outer shell, so that uh, it will create the electrons or holes. Okay? by this process we can create p type and n type material and the p type by using p type and n type material we can create the pn junction that is known as junction diode in the next lecture we will discuss the biasing techniques there are three kind of biasing techniques zero biasing forward biasing and reverse biasing we will discuss the biasing in the next lecture